मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की सेगांव तहसील में जन सुनवाई के दौरान समीप ग्राम बढ़ियापुरा के ग्रामीण जनों ने पहुंचकर नायब तहसीलदार राकेश आरसे को आवेदन सौंपते हुए कहा कि अगर बांडियापुरा के मुख्य मार्ग पर रोड नहीं बनता है तो आने वाले किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामवासियों ने बताया, जब से गांव बना है तभी से रोड का निर्माण नहीं हुआ है और खासकर बारिश के दिनों में कीचड़ होने से प्रतिदिन स्कूल पढ़ने जाने वाले छात्र छात्राओं को कीचड़ में से गुजरना पड़ता है। वह आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। वहीं इस मार्ग पर कई ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं। यहाँ की आबादी 600 से अधिक है, लेकिन प्रशासन बेखबर है। अगर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों द्वारा इस ज्वलंत समस्या के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जन आंदोलन होगा। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। काहे के लिए आए थे? आज 24 तारीख को हम जन सुनवाई में हमारी मुख्य मांगे है माताजी मंदिर मार्ग पर स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूक होने की। उसके बाद में कचरा कंटेनर की मांग को लेकर शहर को अपन ने ज्ञापन दिया है। उसके बाद में दूसरी मांग है हमारी स्ट्रीट लाइट को लेकर, जो बहुत ही समय से बंद पड़ी हुई है। आने वाले दिनों में नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, जिसके कारण अव्यवस्थाएँ हैं। तीसरी मांग हमारी है शासकीय अस्पताल में आधुनिक एक्सरे मशीन की मांग को लेकर, जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई है। और चौथी मांग हमारी है जूनी कचहरी स्थित जर्जर टंकी के विकट समस्या का निराकरण करके, जो 10 से 12 साल से अधूरे निर्माण को लेकर पड़ी हुई है, जिसका कोई भी निराकरण नहीं हो पाया है। क्या नाम लिखते हैं आप? पंकज गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।